घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के मुलजिमा सिविल जज की अहलिया सोमिया की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत का सोमिया आसिम को 1 लाख या मचल के जमा कराने का हुक्म। आसिम हफीज जेआईटी में पेश नहीं हुए। जेआईटी सिविल जज को मुतअद्दिद बार बुला चुकी। बच्ची अभी तक अस्पताल में जेरे इलाज है, चल नहीं सकती। चीनी के दाम बेलगाम, डबल सेंचुरी के बाद भी कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। चम्मन में चीनी 230 रुपए किलो बिकने लगी। कोयटा में फी किलो कीमत 220 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। लाहौर में मीठे के दाम 190 रुपए किलो हो गए। अवाम की जेबें खाली होने के बाद एफबीआर को भी होश आया। सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। बिजली महंगी नहीं, महंगी तरीन। कराची वालों को भी बिजली का करंट लगाने की तैयारी। बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। कीमतों में इजाफा 3 मुख्तलिफ समाही एडजस्टमेंट के मद में मांगा गया। नेपरा की जानिब से हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाप्त की जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन होगा, निगरान वजीर आजम का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ की जेरे सदारत तवानाई के अमूर पर इजलास। हुकाम के बिजली बिलों समेत गर्दिशी कर्जों के अमूर पर ब्रीफिंग। बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम से मुतल्लिक भी बताया। वजीर आजम की मुआशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। सेशन जज अटक को कल परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। आज इस्लामाबाद को तोहीन अदालत का नोटिस। परवेज इलाही पंजाब की किसी अथॉरिटी या इदारे के पास नहीं है। एडवोकेट जनरल का जवाब। अदालत ने पूछा, क्या पुलिस के इल्म में भी नहीं कि परवेज इलाही कहाँ हैं? आईजी उस्मान अनवर ने कहा कि हमारे इल्म में भी नहीं कि वो कहाँ हैं। परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लेकर गई। इस्लामाबाद पुलिस का नहीं, अपने अफसरान का जिम्मेदार। अदालतें मुलजिमान को घर छोड़ के आती हैं और इस बात की गारंटी मांगती हैं कि मुलजिम को बाहिफाजत घर पहुंचाया जाएगा और घर पहुंचा के रिपोर्ट दी जाएगी कि मुलजिम घर पहुंच गया है। मैं तो नहीं जानता था, मगर इमरान नियाजी साहब ने बताया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन होता है। अपने वालिद को तने तना छोड़ के जो बेटा बाहर अय्याशी कर रहा हो, लंदन के महंगे तरीन होटलों में क्याम कर रहा हो, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, उस पर क्या कहना कि जब बाप वज़ीर आला था तो मुकम्मल अय्याशी यहाँ पे थी, जैसे ही बाप पर मुश्किल आई भाग दौड़े बाहर के मुल्क। नई रविश है, अदालतें मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगती हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ का अदालती अहकाम पर रद्दमल। बोले परवेज इलाही और उनके बेटे ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। पंजाब में की गई करप्शन का जवाब तो देना ही होगा। बुजुर्ग वालिद को इस हालत में छोड़कर बेटा अय्याशी कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का मामला लटक गया। साइफर केस की समाप्त करने वाले जज रुखसत पर चले गए। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त ना हो सकी। अदालती अमले ने पीटीआई के वकला को बताया के जज अबुल हसनाद जुलकरनैन अहलिया की तबीयत नासाजी के बायस 8 सितंबर तक छुट्टी पर हैं। गवादर में बैरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, दो अफसर और एक जवान शहीद। हेलीकॉप्टर तरबियती परवास के दौरान मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। पाक बहरिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का हादसे पर अफसोस का इजहार। नवाज शरीफ कहते हैं, शोहदा का बड़ा मकाम है, अल्लाह पाक शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। श्रीलंका में बारिशों से क्रिकेट का मजाक किरकिरा। ज़का अशरफ ने एशिया कप के मैच पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज दी। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से इसको मुतासर ना किया जाए। सदर एसीसी जे शाह ने जवाब दिया, सूरत हाल पर गौर करेंगे, वेन्यू तब्दीली पर गौर के लिए बैठक बुलाई है। वजीर आला मोहसिन नकवी का डीएचक्यू अस्पताल सरगोधा का अचानक दौरा। मसीहा को अपने दरमियान देखकर लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सहूलियात, डॉक्टर्स और अद्वियात की अदम दस्तियाबी के शिकवे। इंतजामात की नाकिस सूरत हाल पर वजीर आला एमएस पर सख्त बरहम। मोहसिन नकवी ने करप्शन की शिकायत पर इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया।
वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के मुख्तलिफ तामीराती मंसूबों के दौरे, शाहदरा फ्लाईओवर और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड का मुआयना। मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का फजाई दौरा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब गुजरांवाला भी गए। गुजरांवाला को सियालकोट मोटरवे से लिंक करने के लिए ज़ेरे तामीर 2 रोया सड़क के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल शुरू होगा। 3 रोजा तकरीबात का आगाज रस्म चादर पोशी की अदायगी से होगा। वज़ीर-ए-आला मजार शरीफ पर चादर पोशी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 7 सितंबर को मकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ताइवान में समुद्री तूफान हाइकोए ने सब कुछ तहस तहस कर दिया। तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिशों से दरख्त उखड़ गए। परवाजें मनसूख, ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। हजारों अफराद की नकल मकानी। समुद्री तूफान चीन की तरफ बढ़ने लगा।